हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर कपिल गोयल। हम इस सीरीज में सेकंड लेक्चर में हम आप सबका स्वागत करते हैं और आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने फर्स्ट लेक्चर के लिए भी बहुत सारे लाइक्स हमें भेजे। इस लेक्चर में आज हम कवर करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ वायरसेस। ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और कृपया करके इस लेक्चर को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि इसमें हम कुछ कंसेप्ट्स बनाने की कोशिश करेंगे जो कि आगे आने वाले लेक्चर्स के लिए भी आपके लिए मददगार साबित होगा। सबसे पहले हम ये सोचते हैं कि ये क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है, ये क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो इसको हम एक कॉमन बेस से स्टार्ट करते हैं, एक एग्जांपल लेके। जैसे कि अगर कोई क्लास है उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं तो टीचर उस क्लास को काफ़ी तरह से क्लासिफाई कर सकता है, जैसे कि ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेंड इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स, कि मैथ्स में कितने हैं, साइंस में कितने हैं, 80-90% कितने बच्चों के आए हैं, 70-60% कितने बच्चों के आए हैं। और इस ऐसे क्लासिफिकेशन करने से हमें एक अंदाज़ा मिल जाता है कि एक डाटा जो बहुत बड़ा डाटा है उसको हम कंसाइज कर पाते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स में कैटेगराइज करके हमें उन ग्रुप्स की प्रॉपर्टीज पता लगती हैं। इसी तरह से आपने देखा होगा कि अगर हम बच्चों को लाइन में खड़ा कर दें हाइट वाइज और हम उनके अकॉर्डिंग टू हाइट ग्रुप्स बना लें तो वो भी एक तरह की क्लास में क्लासिफिकेशन है। या फिर आपने देखा होगा छोटे बच्चों की क्लास में टीचर क्या करते हैं कि छोटे बच्चों को आगे बिठाते हैं और बड़े बच्चों को अकॉर्डिंग टू द हाइट पीछे बिठाते हैं। या फिर कई बारी क्लास में काफ़ी ज़्यादा शोर होता है तो टीचर एक स्ट्रेटजी अपनाता है कि लड़का और लड़की को इकट्ठे बिठाते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा बड़ी क्लास में क्यों नहीं होता, अगर बड़ी क्लास में ऐसा होने लग जाए फिर क्लास में पढ़ाई नहीं, सीटियाँ ही बजेंगी। तो कहने का मकसद ये है कि जो क्लासिफिकेशन है वो भी अलग अलग चीज़ों की अलग अलग प्रकार से की जाती है। अब हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं जिसमें कि क्लासिफिकेशन का एक हम क्लासिफिकेशन क्यों इम्पॉर्टेंट है उसके कंसेप्ट को समझेंगे। आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी आप कहीं किसी मॉल में जाते हैं, वहाँ बहुत बड़े मॉल में जाते हैं, वहाँ डिफरेंट कैटेगरीज में सामान को रखा जाता है, जैसे कि कोई राशन का सामान हो गया या फिर कोई कॉस्मेटिक्स का सामान है या कोई फर्नीचर का सामान है या रेफ्रिजरेटर्स हैं, टेलीविजन्स हैं, तो उनको अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से रखा गया है। आप इमेजिन करके देखिए कि वहाँ पे अगर कोई कैटेगरी ना हो तो क्या हाल होगा, सभी लोग आपस में लड़ेंगे कि हमें ये चाहिए या वो चाहिए। इसका एक और सरल एग्जाम्पल देखते हैं कि जब आप मंडी से सब्जी लेके आते हैं और उसको जब फ्रिज में रखते हैं तो उसको एक कैटेगराइजेशन के हिसाब से रखते हैं, उसको डिफरेंट कैटेगरीज में रखते हैं। ऐसा नहीं है कि एक सभी वेजिटेबल्स को आप मिक्स करके रखते हैं। तो आप खुद ब खुद सोच समझने की कोशिश करिए कि क्लासिफिकेशन इम्पॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि उनमें कुछ फीचर्स होंगे कॉमन जिस वजह से हमने उनको इकट्ठा रखा है। जैसे कि पहले के टाइम में जब रिसर्च अभी चल ही रही थी तो बायोकेमिकल के बेस पे हम या डिफरेंट रिएक्शंस के बेस पे हम जो बैक्टीरिया हैं, वायरसेस हैं, उनको क्लासीफाई करते थे। बट जैसे कि आजकल का जो एरा है, जीनोमिक एरा है, या आजकल सीक्वेंसिंग होल जीनोम सीक्वेंसिंग अवेलेबल है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो पहले मिसक्लासिफाइड हुए थे आज उनको ठीक कैटेगरीज में क्लासिफाई दोबारा से किया जा रहा है। आप अगर गूगल पे सर्च करके देखेंगे तो आपको ऐसे कई एग्जांपल मिल जाएंगे कि जिसको पहले फंगस में रखा गया था आज वो उसको पैरासाइट कंसिडर किया जाता है, और जिसको पहले पैरासाइट कंसिडर करते थे आज उसको फंगस में रखा गया है। तो ये आप खुद भी सर्च करके देख सकते हैं। इन वीडियोस का मकसद सिर्फ यही है कि हम आपको एक बेस अच्छा बना के दे सके, जिसके कारण आप आगे जाके अगर कोई भी लिटरेचर पढ़ें तो आपको वो एक अच्छी तरह से समझ आ जाए। जैसे कि अगर बैक्टीरिया को देखें तो उसमें ग्राम नेगेटिव और ग्राम पॉजिटिव के बेसिस पे, ग्राम स्टेनिंग के बेस पे क्लासिफिकेशन की जाती है। बट जो वायरसेस हैं ये एक बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर है, इसमें एक न्यूक्लिक एसिड है और बाहर प्रोटीन है और उसके बाहर भी कोई इन्वेलप हो सकता है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस वायरसेस को हम डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे कि इन्वेलप्ड वायरसेस वर्सेस नॉन इन्वेलप्ड वायरसेस, या फिर डीएनए वायरसेस वर्सेस आरएनए वायरसेस। ये क्लासिफिकेशन एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। या फिर हम वायरसेस को एक और तीसरे ढंग से भी क्लासिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सिमेट्री ऑफ द वायरसेस, कि उसकी सिमेट्री आइकोसाहेड्रल है या फिर हेलिकल है या फिर कॉम्प्लेक्स है। बट इससे आगे बढ़ने से पहले हम एक कंसेप्ट को और यहाँ पे बनाना चाहेंगे जो कि डीएनए और आरएनए से रिलेटेड है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, टॉपिक है। जैसे कि जो स्टूडेंट्स प्लस वन और प्लस टू में हैं
या फिर जो अभी मेडिकल में एंटर ही किए हैं उन्होंने प्लस वन और प्लस टू में भी ये कंसेप्ट्स पढ़े होंगे। तो बहुत ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम सिर्फ ब्रीफली इस कंसेप्ट को कवर करेंगे कि नेचर में दो तरह के जेनेटिक मटीरियल हैं, डीएनए या फिर आरएनए। आरएनए को प्रिमिटिव मॉलिक्यूल भी कहा जाता है कि जब पहले एवोल्यूशन हो रहा था उस टाइम पे आरएनए मॉलिक्यूल्स पहले डेवलप हुए और फिर बाद में डीएनए। और अगर हम इनका एक बेसिक स्ट्रक्चर देखें तो उसमें बेसिक स्ट्रक्चर में क्या है कि इसमें एक शुगर मॉलिक्यूल प्रेजेंट है और उसके साथ एक न्यूक्लियोटाइड बेस है, एक नाइट्रोजिनस बेस है। इन दोनों को मिला के एक बनता है न्यूक्लियोसाइड। अगर इसके साथ एक फॉस्फेट ग्रुप भी लग जाए तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। तो ये डिफरेंट टाइप्स के न्यूक्लियोटाइड्स हैं जिसको मिला के डीएनए या फिर आरएनए बनता है। आप इसको ऐसे भी विजुअलाइज कर सकते हैं कि जैसे जब कोई दीवार हम बनाते हैं तो उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रिक्स को यूज किया जाता है और उसके बीच में जो सीमेंट लगाया जाता है दो ईंटों को जोड़ने के लिए, वो एक फॉस्फेट ग्रुप का काम करता है। जब वो ईंट के ऊपर सीमेंट वगैरह लग गया है तो वो एक न्यूक्लियोटाइड है। तो इस प्रकार से हम उसको एक दीवार को बना सकते हैं। इसी तरह से डीएनए और आरएनए की चेंज भी न्यूक्लियोटाइड्स की बनी है। इसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं डीएनए और आरएनए में वो डिफरेंट है। इसको आप याद कर सकते हैं प्यूरिन्स और पिरामिडिन्स। जो प्यूरिन्स हैं वो एडेनिन और गुआनोसिन है और जो पिरामिडिन्स है वो सीटीयू है, जैसे साइटोसिन, थायोसिन एंड यूरेसिल। और जो ए है वो हमेशा टी के साथ पेयर करता है, जो जी है वो सी के साथ पेयर करता है, और जो टी है आरएनए में वो यू से रिप्लेस हो जाता है। तो ये एक बेसिक सा स्ट्रक्चर है। इसके बाद जब साइंटिस्ट स्टडी कर रहे थे 1950s में कि ये इंफॉर्मेशन कैसे पास ऑन होती है फ्रॉम वन टाइप ऑफ सेल टू अनदर, तो एक क्रिक करके साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक कंसेप्ट दिया था सेंट्रल डोगमा। इसका मतलब है कि एक उन्होंने सेट रूल दिया था कि उससे हमें यह पता लगता है कि इंफॉर्मेशन कैसे ट्रांसफर करती है फ्रॉम डीएनए टू द प्रोटीन्स। तो ये तीन भाग में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं कि डीएनए से पहले मैसेंजर आरएनए बनेगा, मैसेंजर आरएनए से फिर प्रोटीन बनेगा। जो प्रोसेस है कि डीएनए से जो मैसेंजर आरएनए बनेगा उसको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और जब मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन्स बनते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड लग के प्रोटीन बनता है, उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो जो एंड प्रोडक्ट है वो प्रोटीन्स हैं। इसी तरह से जो आरएनए है वो भी या तो पहले डीएनए बनेगा या फिर डायरेक्टली वो प्रोटीन्स बना सकता है। तो इसके बेस पे एक कंसेप्ट को डेवलप किया गया कि जो इंफॉर्मेशन है वो डीएनए टू एमआरएनए टू प्रोटीन्स ही मूव करेगी। इस कंसेप्ट को बोला गया था सेंट्रल डोगमा। बट इसको अगर हम बारीकी से देखें तो इसका क्या मतलब है, उस टाइम पे क्रिक क्या कहना चाहते थे। उनके कहने का मतलब ये था कि उन्होंने अपने लेक्चर में एक डायग्राम बनाया था जिसमें लिखा था डीएनए, आरएनए और प्रोटीन्स। उन्होंने बोला था कि डीएनए डीएनए में कन्वर्ट हो सकता है उसको हम बोलेंगे डीएनए रेप्लिकेशन, आरएनए आरएनए में भी कन्वर्ट हो सकता है उसको बोलेंगे आरएनए रेप्लिकेशन, और या फिर आरएनए प्रोटीन में बन सकता है। सेंट्रल डोगमा का मतलब ये था कि अगर एक बारी इंफॉर्मेशन अमीनो एसिड में चली गई तो वो वहां से वापस नहीं जा सकती। इसका मतलब ये है कि प्रोटीन से डीएनए नहीं बन सकता। और वो उस टाइम पे डाउटफुल थे कि क्या आरएनए से डीएनए बन सकता है, उस टाइम पे उनके पास इस चीज का कोई एविडेंस नहीं था। या फिर उन्होंने ये भी बोला था कि प्रोटीन से प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो सकता। तो ये था उनका सेंट्रल डोगमा का कंसेप्ट। हम इसको बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में एक रूटीन एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे कि मेरा मानना है कि ट्रेंड इज योर बेस्ट फ्रेंड। इसका मतलब ये है कि जो भी आजकल ट्रेंड में चीजें हैं अगर आप उनके एग्जांपल्स लेके किसी चीज को समझने की कंसेप्ट बनाने की कोशिश करेंगे तो उससे आपको एक बहुत ही अच्छी एक कंसेप्ट बिल्डिंग बनेगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे मोदी जी हैं, आजकल छाए हुए हैं भारत में, वो कुछ सोचते हैं कि मैंने एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट कोई करना है, उनके दिमाग में वो चीज सोची गई है। तो वो एक तरह का जैसे कि डीएनए में इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है वो इस तरह से सोच रहे हैं। उसके बाद वो अपनी मिनिस्ट्री में बोलेंगे कि इसके ऊपर एक पॉलिसी तैयार की जाए जो कि एक मैसेंजर आरएनए का काम करेगा। उसके बाद उस पॉलिसी के तहत उसमें लोगों को भर्ती किया जाएगा, उस काम को अंजाम दिया जाएगा और वो काम पूरा कर लिया जाएगा। इसी तरह से उस एमआरएनए के बेस पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड इकट्ठे होंगे और एक पॉलीपेप्टाइड बनेगा और फाइनली जाके एक प्रोटीन स्ट्रक्चर हमें मिलेगा जो कि जाके आगे बायोलॉजिकल फंक्शंस करेगा। तो इसको देखते हुए सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे कि 1970s में टेमिन एंड बाल्टीमोर ने
एक नया कंसेप्ट निकाला जिसमें उन्होंने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन का कंसेप्ट दिया। हमने देखा ट्रांसक्रिप्शन क्या है, इंफॉर्मेशन डीएनए से आरएनए में गया है, जब इंफॉर्मेशन आरएनए टू डीएनए जाता है तो उसको हम बोलते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था तो इसको इन्होंने नाम दिया सेंट्रल डोगमा रिवर्स। हालांकि क्रिक ने कभी इस चीज को नजरअंदाज नहीं किया, उन्होंने ये बोला कि हाँ ये पॉसिबल है, बट उनके पास एविडेंस नहीं था। एविडेंस किसने दिया, बाल्टीमोर ने। इसी के बेस पे वायरसेस को आगे क्लासिफाई किया गया है जिसको बोला गया है कि बाल्टीमोर ऑफ क्लासिफिकेशन। इसमें बेसिकली ये एक तरह की क्लासिफिकेशन नहीं, इस तरह का उन्होंने एक मैकेनिज्म निकाला जिससे उन्होंने वायरसेस को डिफरेंट ग्रुप्स में अकॉर्डिंग टू देयर रेप्लिकेशन स्ट्रेटजी डिवाइड कर दिया। आप अगर आप देखेंगे कि तो वायरसेस को बेसिकली दो मेन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, डीएनए वायरसेस और आरएनए वायरसेस। अगर आप देखेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि ये जितने भी आउटब्रेक्स हो रहे हैं आजकल या फिर जितना भी फास्ट एवोल्यूशन वायरसेस में हो रहा है, ये मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आरएनए वायरसेस में है। इसका कारण ये है कि जो आरएनए वायरसेस हैं इनमें जो आरएनए प्रूफ रीडिंग की एक्टिविटी है वो इतनी अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से इसमें म्यूटेशंस के चांसेस ज्यादा होते हैं और वायरसेस बहुत ही फास्ट इवॉल्व करते हैं। आपने देखा होगा ये स्वाइन फ्लू फैला, इन्फ्लुएंजा फैला, रोटा वायरल इन्फेक्शन, निफा वायरस, ये सारे के सारे आरएनए वायरसेस हैं। एचआईवी वायरस हो गया, एचसीवी वायरस हो गया। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण है कि क्यों आरएनए वायरसेस बहुत ज्यादा जल्दी इवॉल्व कर रहे हैं और मोस्ट ऑफ द इन्फेक्शन भी क्या है कि आरएनए वायरसेस से हो रही हैं। और अगर हम ये बाल्टीमोर की क्लासिफिकेशन को देखें तो उसमें एक बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट लगाया गया है कि ये जितने भी वायरसेस में जो न्यूक्लिक एसिड है वो अल्टीमेटली पॉजिटिव सेंस मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट होगा ताकि वो आगे जाके प्रोटीन्स बना सके। हमने पिछले लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि ये इन्फॉर्मेशन तो वायरस में स्टोर है, बट ये वायरस अपने आप से, इसके पास मशीनरी नहीं है कि वो प्रोटीन्स बना सके, इसके लिए उसको किसी का मशीनरी यूज करनी पड़ती है, जिसकी वजह से इसको ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट भी बोला गया है। उसके लिए या तो ये कोई लिविंग सेल प्लांट का हो सकता है, एनिमल का हो सकता है, या फिर ह्यूमन बींग का हो सकता है। तो इस तरह से ये जो वायरसेस हैं ये इन्होंने टेक्निक डेवलप की है कि ये जो इन्फॉर्मेशन है इसको कैसे वो प्रोटीन्स में बनाएंगे और उससे आगे जाके नए वायरसेस डेवलप होंगे। जो वायरस का जीन है वो बेसिकली दो तरह की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करता है। एक तो जो इनकोड करते हैं स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स के लिए इन्फॉर्मेशन, जो आगे चल के वायरस के स्ट्रक्चर बनाने में हेल्प करेंगे, और दूसरी कैटेगरी है नॉन स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स। वो क्या है कि जो आगे जाके एंजाइम्स वगैरह बनाते हैं और जिससे आगे जाके वो रेप्लिकेशन में उनको मदद मिलती है। और इससे आगे हम बढ़ते हैं और एक डिटेल में जाते हैं बाल्टीमोर क्लासिफिकेशन में, तो इसको डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्रुप में डिवाइड किया गया है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। 1 और 2 है जो है वो है डीएनए वायरसेस को लेके, जो 3 to 7 है या 3 to 6 है वो मेजॉरिटी ऑफ द आरएनए वायरसेस के लिए है। अब हम देखेंगे कि कैसे इन्फॉर्मेशन फ्लो करती है डिफरेंट कैटेगरीज में और कैसे बाल्टीमोर ने एक बहुत ही सिंपल क्लासिफिकेशन हमें दी है जिसकी वजह से हम इन वायरसेस को डिफरेंट ग्रुप्स में रख सकते हैं। जो पहला ग्रुप है वो डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरसेस का ग्रुप है। इसमें कुछ नहीं होता, इसमें सिंपली जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है उसे एक मैसेंजर आरएनए बनता है जिससे आगे प्रोटीन्स बनेंगे। उसके बाद है सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए। सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए से क्या होगा कि सबसे पहले सिंगल स्टैंडर्ड से डबल स्टैंडर्ड डीएनए बनेगा, फिर उससे आगे मैसेंजर आरएनए बनेगा। जो आरएनए वायरसेस हैं वो बहुत ही अलग अलग तरह के हो सकते हैं। सबसे पहले कैटेगरी में आता है डबल स्टैंडर्ड आरएनए वायरसेस। इसमें क्या होगा कि इसमें एक स्ट्रैंड पॉजिटिव सेंस होगा और एक नेगेटिव होगा, तो जो नेगेटिव स्ट्रैंड है उससे डायरेक्टली क्या बन जाएगा, एमआरएनए। उसके बाद क्या आएगा, पॉजिटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए होगा। उससे क्या होगा कि वो सबसे पहले नेगेटिव सेंस आरएनए बनाएगा, उसके बाद जाके वो मैसेंजर आरएनए बनाएगा जो आगे जाके प्रोटीन्स बनाएगा। उसके बाद आता है नेगेटिव सेंस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जो डायरेक्टली पॉजिटिव सेंस एमआरएनए को बना देगा। उसके बाद आता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए वायरस हैविंग द रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक्टिविटी, जो कि बाल्टीमोर के एक्सपेरिमेंट से हमें पता लगा था, जो जिसने सेंट्रल डॉगमा को रिवर्स कर दिया था। इसमें क्या होगा कि जो सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है वो पहले डीएनए में कन्वर्ट होगा, डीएनए पॉजिटिव डबल स्टैंडर्ड डीएनए में कन्वर्ट होगा जो आगे जाके मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। एक सेवंथ ग्रुप भी है जिसमें हेपेटाइटिस बी वायरस आता है। इसमें क्या है कि ये डबल स्टैंडर्ड डीएनए वायरस है
जिसमें भी क्या रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एक्टिविटी है। इसमें क्या होता है कि जो ट्रिपल सी डीएनए भी बोला जाता है, सर्कुलर कोवलेंटली ये डीएनए है, इससे क्या होता है कि जो सबसे पहले एमआरएनए बनता है और प्री जीनोमिक आरएनए बनता है। जो प्री जीनोमिक आरएनए है वो फिर रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की मदद से उस वो पॉजिटिव स्ट्रैंड डीएनए और फिर डबल स्ट्रैंड डीएनए में कन्वर्ट होता है, जिससे आगे जाके वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वायरसेस मल्टीप्लाई करके हेपेटाइटिस बी के और फिर वो सेल को रप्चर करके डिफरेंट वायरसेस बनाते हैं। तो ये तो थी एक सिंप्लीफाइड वे में बाल्टीमोर की क्लासिफिकेशन। हम आगे बढ़ते हुए अब एक बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में देखते हैं कि आज हमने क्या कवर किया। हमने देखा कि कैसे जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन है वायरसेस में, डीएनए हो या फिर आरएनए हो, वो एक पॉजिटिव सेंस एमआरएनए में कन्वर्ट होती है इंफॉर्मेशन, उसके बाद जाके ही वो प्रोटीन्स बनाएंगे। सो दिस इज अ बेसिक्स ऑफ टुडेज लेक्चर। और हम एक कंसेप्ट को आगे और देखते हैं ये समझने के लिए कि कैसे वायरसेस होस्ट सेल की मशीनरी को यूज करते हैं। आप लोगों ने बहुत सारी पिक्चरों में या फिर न्यूज में देखा होगा कि इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर से टेररिस्ट जो हैं वो इन्फिल्ट्रेट करके एंटर कर जाते हैं इंडिया में। उनके पास कुछ बहुत ज़्यादा सामान नहीं होता, वो एक बार अगर एंटर कर गए, जैसे कि होस्ट सेल में वायरस एंटर कर गया, उसके बाद जाके वो उस पॉपुलेशन में मिक्स हो जाएंगे या फिर पुलिस से छिप कर कहीं और चले जाएंगे और फिर वहां पे जाके अपना सेटअप करेंगे। उनके माइंड में एक स्ट्रेटजी होएगी कि उसको आगे एग्जीक्यूट कैसे करना है, बट आगे चलकर वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी चाहिए उनको अपनी एक्टिविटी के लिए, वो एक इंडिया से ही वो मुहैया करवाया जाएगा। वहीं पे जाके उसके ही इंडिया के रिसोर्सेज वो यूज करेंगे कोई भी अटैक करने के लिए। इसी तरह से जो वायरस है वो उसके पास इंफॉर्मेशन तो है, बट वो होस्ट सेल की मशीनरी को ही आगे जाके यूज करेगा उस सेल में छिपने के लिए, आगे मल्टीप्लाई करने के लिए और इन्फेक्शन कॉज करने के लिए। इसको हम एक और भी थोड़े एक लाइटर वे में समझ सकते हैं। जैसे कि कोई भी इंडियन हो, अगर वो फॉरेन जाता है तो उसकी कोशिश क्या होती है कि कम से कम डॉलर वो खर्च करे। पहले तो था कि होटल्स वगैरह बुक करवाने पड़ते थे, आजकल एयरबीएनबी का जमाना है, या फिर लोग जो हैं कि एक कॉमन फ्लैट है जहाँ पे डिफरेंट रूम्स हैं वहाँ पे रहते हैं, बट उनके पास कॉमन किचन है और कॉमन लॉन्ड्री एरिया है। तो वहाँ के रेफ्रिजरेटर में क्या होता है कि वो नाम लिख के हर कोई अपना सामान खरीद के रख देता है, बट जो इंडियन है वो बेचारा पहले ही एक देखता है कि यार डॉलर इतना महंगा है, 1,00,000 रुपए में मुझे थोड़े से डॉलर मिले हैं और कन्वर्जन चार्जेस भी पड़ गए हैं, तो वो जाके वहाँ पे बहुत ही कम सामान खरीदता है। बट जब उसका मन करता है कि भी चलो वहाँ जाके भी चिकन खाया जाए, तो वो क्या करता है कि वो फिर वहाँ की होस्ट मशीनरी को यूज करता है, चुपचाप चोरी से कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत सामान या मसाले निकालेगा और बना के खाएगा। इसी तरह से लॉन्ड्री में जब जाएगा तो कपड़े धोने के लिए वो किसी और का वॉशिंग पाउडर यूज कर लेगा। तो इसी तरह से जो भी इंटेलिजेंट बंदा होगा वायरसेस की तरह ही काम करेगा। तो आप लोग भी इस वीडियो को इंटेलिजेंटली देखें और इस सब्जेक्ट को इंटेलिजेंटली पढ़ें ताकि ये बहुत ही आपका अच्छा बेस बन सके। फ्रेंड्स, हम अब देखेंगे कि हम आगे इस लेक्चर से आगे कैसे आगे बढ़ेंगे, क्योंकि हम मेडिकल वायरोलॉजी को कवर कर रहे हैं। तो हम आगे देखेंगे कि स्पेसिफिक वायरसेस को कैसे पढ़ना चाहिए। तो उसको एक स्पेसिफिक हेडिंग्स हैं जिसके अंडर हमें किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ना होता है, और हम ये भी देखेंगे कि हमें ये आजकल इंटरनेट के ज़माने में लिटरेचर सर्च कैसे करना है। जैसे कि हम कवर करेंगे कि एपिडेमियोलॉजी का क्या मतलब है, पैथोजेनेसिस का क्या मतलब है, डायग्नोसिस के लिए वायरल इन्फेक्शंस की हम किन किन मॉडलिटीज का यूज़ कर सकते हैं, और फिर ट्रीटमेंट और प्रिवेंशन के लिए क्या क्या कर सकते हैं। ये ऐसा बहुत लंबा टॉपिक हो जाएगा, तो इसलिए हम नेक्स्ट वीडियो में एपिडेमियोलॉजी और डायग्नोसिस तक ही अपने आप को सीमित करेंगे, ताकि कोई भी आप वायरल इन्फेक्शन पढ़ रहे हैं तो आप स्पेसिफिक उसी हेडिंग के अंडर इसको पढ़ें। ये बेसिकली जो एमडी स्टूडेंट्स हैं जो माइक्रोबायोलॉजी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही यूजफुल रहेगा, और आगे आने वाले लेक्चर्स में हम और भी कंसेप्ट्स को बनाएंगे कि कैसे इन वायरसेस की डिस्कवरी हुई और उसको कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे कि कैसे फिर आगे जाके वायरसेस के बारे में कि कैसे ये इनके ऊपर और रिसर्च करके कैसे और डायग्नोस्टिक मेथड्स को डेवलप किया गया है। थैंक यू फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। इससे हमें बहुत ही हौसला मिलेगा और हम आने वाले टाइम में और भी नए वीडियोस अपलोड करेंगे और वायरोलॉजी सब्जेक्ट को आपको अपग्रेड करने में मदद मिलेगी। थैंक यू।